यूपीएससी प्री 2020 इस बार एक क्वेश्चन पूछा है सी सेट का, डी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है। योग इसने बोला है कि एक सिंबल दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है सिंबल, और यहाँ पर दो सिंबल है, और यहाँ पर भी है वही सिंबल, और यहाँ पर दो सिंबल है। ये बोल रहा है कि इसमें जो है वो किस अंक को दर्शाता है, मतलब कि कौन सा यहाँ पे सिंबल की जगह कौन सा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम जो है वो इसमें लगने वाला था अगर आपको जो है वो कंसेप्ट पता ना हो। इसमें जो है वो ऑड नंबर और इवन नंबर का जो है वो कंसेप्ट, लॉजिक जो है वो आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए, एक आपके पास एक ऑप्शन था कि या तो आप लोग जो है वो ऑप्शन से ट्राई करिए, यहाँ पे टू पुट करिए, टू पुट करके जो है वो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे टू टू आ रहा है, ठीक है, तब जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा तो टाइम बच जाएगा, अगर सेकेंड ऑप्शन सही होगा थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट पता हो, मतलब कि सम संख्या और विषम संख्या का कंसेप्ट पता हो, तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट बी पर जा सकते थे। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर की बात करूँ, यहाँ पे इवन, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन, और यहाँ पे इवन इवन पुट करके, यहाँ पर इवन पुट करके, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इवन नंबर को 4 टाइम प्लस करके तो इवन नंबर ही आएगा, मतलब इवन नंबर को इवन नंबर से प्लस करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। अब देखिए, इवन नंबर को प्लस किया है तो फर्स्ट वो यूनिट डिजिट पर है, वंस प्लेस पर है। ठीक है, अगर वंस प्लेस पर है, यूनिट डिजिट पर है, तो इनको प्लस करने पर यहाँ पे तो इवन नंबर बन रहा है। ठीक है, इवन नंबर बन सकता है आगे, लेकिन यहाँ पे वन आ रहा है, वन जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर बन जाएगा। अगर ऑड नंबर यहाँ पे बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑड नंबर आएगा जब हमने इवन नंबर यहाँ पे डाला, इवन नंबर जब हमने डाला तो आगे लास्ट में ऑड नंबर बन रहा है। इसका मतलब है कि इवन और ऑड ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी इवन होना चाहिए, तभी जो है सिंबल मैच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इवन नंबर तो नहीं होने वाला। अगर इवन नंबर नहीं होने वाला तो इवन नंबर को काट दो, ना ही 4 होगा ना ही 2 होगा, तो डायरेक्ट या तो बी होगा या तो डी होगा। तो या तो आप लोग डायरेक्ट जो है वो अब बी बी ऑप्शन जो कि 3 है, 3 को पुट करके आप लोग यहाँ पे देख सकते थे। तो 3 पुट करूँगा मैं जैसे ही, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर +1 3 हो जाएगा, +5 3 हो जाएगा, +3 3 हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 133, जो कि हमने 3 3 पुट किया तो लास्ट में भी 3 3 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ओके।